साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी का आज के नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देखा, आरसीएम बिजनेस में आपको थर्ड पार्टी की जरूरत होती है, तो इसी टॉपिक को लेकर हम आरसीएम बिजनेस के तहत आज इस वीडियो में आए हैं। तो वीडियो में बने रहे एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो की जानकारी या इसी तरह की आरसीएम बिजनेस से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहती है। चलिए आज की बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। नाम पंकज प्रजापत और आप देख रहे हैं क्या आप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चलिए आज की बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि इस बिजनेस में आपको थर्ड पार्टी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि जो गांव का व्यक्ति है उसको सभी लोग जानते हैं, तो उसकी कोई मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो जन्म से लेकर आज जितने बड़े हुए हैं, वो सारे लोग हमें देखते आ रहे हैं कि वो हम किस तरह अपने कार्य को करते हैं, किस तरह हम अपने काम को करते हैं, और किस से बोलिए से करते हैं और किस ढंग से करते हैं। तो इसीलिए जो लोग अपने से नहीं समझते, उनको आपको आरसीएम बिजनेस में जो आपकी अपलाइन है जिनको वो नहीं जानते, तो उनको आप प्लान दिखाने के लिए या आरसीएम बिजनेस की जानकारी देने का दिलाने के लिए आप उनको लेकर जा सकते हो, और अपनी जो बात है वो आसानी से आप उनसे भी कहलवा सकते हो कि आरसीएम बिजनेस है वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें बहुत बढ़िया और बहुत शानदार आप इसमें काम कर सकते हो, और बड़ी इनकम, बड़ा मान सम्मान, और साथ ही बात करें बड़ा पिन लेवल आप इसमें हासिल कर सकते हो। मेरा यही कहना है कि आप आरसीएम बिजनेस में अगर आपकी कोई नहीं मानता है, आपकी क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो व्यक्ति आपको जानते हैं, इसीलिए आपको वो निराकार कर देंगे, आपको ना कर देंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को अगर आप साथ लेकर जाओगे, वो उनको नहीं जानते, क्योंकि वो आपके अपलायन है, केवल आप उनको जानते हो। लेकिन जो व्यक्ति आप अपने साथ लेकर जाओगे, उनको गांव वाले या आपके शहर वाले या आपके भाई बंधु रिश्तेदार जितने भी, वो नहीं जानते। इसलिए आरसीएम बिजनेस में भी आपको थर्ड पार्टी की जरूरत होती है, क्योंकि उसी से ही लोग सीख सकते हैं, उनसे ही लोग इस बिजनेस को समझ सकते हैं, आपसे नहीं समझेंगे। इसलिए वो कहावत है कि गांव का जो व्यक्ति है वो गांव में एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, लेकिन अगर वो जहां उसको नहीं जानते वहां चले जाए, तो वो एक बड़ा जो भगवान सम्मान हम मानते हैं, अतिथि जिसे हम बोलते हैं, मेहमान जिसे हम बोलते हैं, उसका रूप धारण कर लेता है। वहां पर उसको कोई नहीं जानता, इसलिए उसको मान सम्मान मिलता है। गांव में उसको सभी लोग जानते हैं, इसलिए उसको मान सम्मान थोड़ा कम मिलता है। इसीलिए आरसीएम बिजनेस में आपको थर्ड पार्टी की जरूरत होती है। इसलिए जिस भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जाते हो, अपनी जो अपलाइन है उनको साथ लेकर जाएं, और जो एक्टिव अपलाइन है उनको साथ लेकर जाएं, और साथ ही आप भी आरसीएम बिजनेस का प्लान सीखें। अगर आपको आरसीएम बिजनेस का प्लान की जानकारी चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आरसीएम बिजनेस का बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिकल आपको प्लान दिखाने को मिलता है, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। आप उसमें देख सकते हो किस तरह मैंने आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाया है। अगर वीडियो वो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी नहीं। चलिए आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय आरसीएम।